और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो दोस्तों, गौशाला में खिचड़ी बन रहा है यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों मुझे केक मिल चुका है। यहाँ पे देखो अमाई भी आ चुकी है और आते ही ये बैलून को ठीक कर रही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज का एक नया ब्लॉग शुरू हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। दोस्तों आज है 28 मार्च और आज है विनायक का बर्थडे। तो आज हम बर्थडे मनाने वाले हैं और अभी बज रहा है शाम के 3। सॉरी दोस्तों, मैं सुबह से वीडियो बना नहीं पाया, कुछ काम था इसलिए। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे बैलून फुला रहे हैं और विनायक, हाँ, तो विनायक को देखो अभी से जो है टूपी ला के घूम रहा है बर्थडे बॉय। यहाँ पे देखो, तो मैं आप लोगों को जो बैलून फुलाया वो दिखाया था। तो यहाँ पे देखो ये सारा जो बैलून है विनायक और उसके माँ ने फुला के रखा हुआ है। और यहाँ पे और भी बैलून है, ये सारे जो है फुलाने हैं, रंग बिरंगे बैलून। और यहाँ पे देखो हम लोग इससे जो है फुला रहे हैं पंप दे दे के, ये देखो इससे हम फुला रहे हैं। और इतने सारे बैलून को मुंह से फुलाना मतलब आसान नहीं है, तो इसलिए हम लोग पंप से ही फुला रहे हैं। तो चलिए इसको पूरा फुला लेते हैं, फुलाने के बाद आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, गौशाला में खिचड़ी बन रहा है यहाँ पे, देखो चूल्हे पर। ये हमारा गौशाला और ये मेरा भाभी है, भाभी जो है खिचड़ी बना रही है, बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती है भाभी। तो यहाँ पे खीर भी बनेगा, तो अभी कुछ चरा नहीं है, देखो अभी अभी बिठाया है, देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो पीछे के साइड जो है हम लोग दाल को धो के रखा हुआ है, और इधर मटर है, और इधर देखो पत्ता गोभी और आलू है। इसका इसको फ्राई करेंगे हम लोग, उसको भाजा बोलते हैं। तो यहाँ पे रखा हुआ है, दाल को लेके जा रहे हैं बबीता। और मैं आज दोस्तों लाइट भी नहीं है, तो घर में पूरा अंधेरा है, इसलिए वीडियो भी अच्छा नहीं हो रहा है क्वालिटी। तो चलिए इसको लेके चलते हैं। तो भैया दोस्तों, मैं केक लाने के लिए स्टेशन जा रहा हूँ, तो चलिए केक लाने चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और थोड़ा बाल वाल कटवा लिया है, तो अभी जा रहे हैं केक लेने के लिए। और केक लेने के लिए इस ब्रिज को पार करना पड़ेगा, इस ब्रिज को पार करने के बाद दुकान है, तो वहाँ से केक लेंगे। और ये मेरा छोटे भाई रूनू, तो चलिए केक लेते हैं। दुकान दोस्तों केक का दुकान, तो चलिए यहाँ से केक ले लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों मुझे केक मिल चुका है, तो अभी चलते हैं घर, क्योंकि अभी मुझे शादी में भी जाना है। तो चलिए, हमारा बाइक वहाँ पे रखा हुआ है, तो चलिए चलते हैं घर में। अभी हम घर पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखो पूरा बैलून जो है फुला के ख़त्म कर दिया है, थोड़ा बहुत बच गया है, इसको रहने देते हैं। जब ये सब फट जाएगा ना, तो बच्चे एक बैलून दे दो बोलेंगे, तो यहाँ से दे देंगे, तो इसलिए इसको नहीं फुलाया। तो इसको हम लोग अभी सजा लेते हैं। यहाँ पे देखो अमाई भी आ चुकी है और आते ही ये बैलून को ठीक कर रही है। तीन तीन बैलून करके क्या कर रही है, जॉइंट दे रही है। तो जल्दी जल्दी करो। यहाँ पे देखो केक काटने का वक्त हो चुका है और यहाँ पे विनायक का केक देखो। केक कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखो बैलून फटा नहीं आना। Lo me pongo el día, corre, me van a colgar tú lo. Vamos, chile. Vamos, chile. Vamos, chile.
तो यहाँ पे बर्थडे ख़त्म हो चुका है, केक भी कट के ख़त्म हो चुका है और सब लोग देखो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं बैठ के। और यहाँ पे खाना भी होगा, खिचड़ी और खीर। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए भी बैठ गए हैं। और दोस्तों आज का बर्थडे जो है वो स्पेशल नहीं हुआ क्योंकि मुझे शादी में जाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और यहाँ पे भी देखो बाहर भी खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं गांव के बुजुर्ग जो है वो। तो अभी दोस्तों बर्थडे जो है वो ख़त्म हो चुका है, जल्दबाजी में जो है बर्थडे करना पड़ा। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक शादी में पत्थरकंदी में, और शादी जो है हैदराकंदी से पत्थरकंदी में हो रहा है। तो अभी उस शादी में जाना है, तो चलिए शादी में जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं शादी में पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे देखो दूल्हा, ये जो है मेरा भांजा लगता है, और ये हैदराकंदी खुनूर से है, तो वो पत्थरकंदी से जो है शादी करने के लिए आया है। तो मैं भी घर से पत्थरकंदी में आया हूँ, इसके घर में नहीं गया। तो फाइनली दुल्हन के गेट पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो है दुल्हन के तरफ से लड़कियाँ जो है गेट पास रहती है, पैसा थोड़ा लेती है और उसमें मोल भाव किया जाता है। और पैसा मिलने के बाद फीता काटा जाता है दूल्हे के द्वारा और एंट्री मिल जाती है। तो फाइनली दोस्तों दुल्हन जो है आ चुकी है, और यहाँ पे सात फेरे होगा, बरमाला होगा, और चलिए आप लोग शादी एंजॉय कीजिए। I like it.
ये अन्नपास में भी है किधर। तो अभी हम जा रहे हैं घर, मामूनी का घर छोड़ने। यहाँ पे देखो सब लोग शादी खत्म करके घर जा रहे हैं। एक फोटो खिंचा देते हैं इसके। देखो सब शादी खत्म हो गया तो रात के 1 बजे सब घर जा रहे हैं अपने अपने घर।